नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका गणित ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ट्वेल्थ क्लास के मैथ के चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज नंबर 3.2 के लेक्चर नंबर 12 के बारे में बात करेंगे। दोस्तों आपकी चैप्टर 3 की मैं 11 लेक्चर बना चुका हूँ, तो आप उन लेक्चर्स को देख लें जिससे कि आपका पूरा कोर्स जो वो कवर हो जाए, ठीक है। तो आप क्वेश्चन नंबर इसमें 10 लगाएंगे, इससे पहले कि 9 क्वेश्चन जो है वो मैं पिछली वीडियो में लगा चुका हूँ, तो आप उन क्वेश्चन को जरूर देख लें और उन क्वेश्चन को आप लगाते चले जाए जिससे कि ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। प्रदत्त समीकरण x y z द्वारा t के लिए हल कीजिए। यदि हमें दे रखा है 2x2 का मैट्रिक्स, ठीक है, उसके बाद एक गुणा दे रखा है 2 का, उसके बाद 3x3 का अल्टीमेट दे रखा है, एक और 2x2 का मैट्रिक्स दे रखा है, और आपका बराबर दो दे रखा है वो भी एक 2x2 का मैट्रिक्स दे रखा है। दोस्तों इसमें सिंपल हल करेंगे हम, हमारे जो मैट्रिक्स के बाहर जो आपका जो संख्या दे रखी है उसका मल्टीप्लाई आप अंदर करेंगे, और अंदर जब मल्टीप्लाई हो तो प्रत्येक संख्या के साथ होगा। इसी तरीके से 3 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, इसी तरीके से इस 3 का भी आप मल्टीप्लाई अंदर करेंगे। तो करते हैं, तो सिंपल आपका 2 का मल्टीप्लाई अंदर करता हूं तो कितना हो जाएगा आपका 2x 2z 2y और 2t, ठीक है। उसके बाद प्लस 3 का मल्टीप्लाई अंदर करूंगा तो कितना आएगा आपका 3 माइनस के 3, 3 का मल्टीप्लाई 0 में किया 0, 3 का मल्टीप्लाई 2 में किया 6। उसके बाद हम बात इस 3 का हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का 3 में मल्टीप्लाई किया 9, 3 का मल्टीप्लाई 5 में किया तो 15, 3 का मल्टीप्लाई आपने किया 4 में तो 12, और 3 का मल्टीप्लाई 6 में किया तो 18, ठीक है। तो सिंपल अब दोस्तों अब हम क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स को हम जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा, मतलब संगत पद में आपका संगत पद जुड़ेगा, ठीक है। 2x में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3, उसके बाद 2z में आप -3 जोड़ेंगे तो 2z माइनस 3 आएगा, ऐसे 2y में आप 0 जोड़ेंगे तो आपका 2y आएगा, उसके बाद 2t में आप 6 जोड़ेंगे तो जाएगा आपका 2t प्लस 6, ठीक है। उसके बाद बराबर जो किसके चल रहा है आपका 9 15 12 एंड 18, ठीक है। दोस्तों अब हम देखेंगे कि दोनों मैट्रिक्स जो है वो आपस में बराबर समान दे रखते हैं, तो कहने का मतलब इनके संगत पद जो होंगे वो आपस में बराबर होंगे। तो कहने का मतलब 2x प्लस 3 किसके बराबर होगा, 9 के बराबर, तो 2x प्लस 3 किसके बराबर होगा 9, यहां से आप x का मान निकाल सकते हैं, तो 2x इज इक्वल टू 3 आप उधर जाएगा तो 9 माइनस 3 तो 2x इज इक्वल टू 6, ठीक है। यहां से 2 से 6 कट जाएगा 3 बार, तो x का मान कितना आया आपका 3, ठीक है, ये तो यहां से x का मान निकला है। इसी तरीके से हम यहां से 2z माइनस 3 बराबर कितना होगा 15, मतलब 2z माइनस 3 इज इक्वल टू 15, क्योंकि इसका संगत पद जो वो यह है, ठीक है। तो यहां से आप z का मान निकालने के लिए इसको सीधा सीधा इधर लेके जाएंगे तो 15 प्लस 3, ठीक है, तो कितना होगा आपका 2z इज इक्वल टू 18, 2 से जी आपका 18 जो वो 9 टाइम कटेगा तो z बराबर आ गया आपका 9, ठीक है। तो ये आपका z का मान आ गया, फिर अब हम सिंपल निकालेंगे y का मान, तो क्या हो जाएगा भाई 2y इज इक्वल टू 12, 2y इज इक्वल टू 12, तो क्योंकि 2y का जो संगत पद वो 12 है, और 12 से 22 जो आपका 6 टाइम कट जाएगा तो y बराबर आ गया आपका 6। लास्ट रह गया आपका 2t प्लस 6 किसके बराबर होगा 18 के बराबर, तो इसे भी निकाल देते हैं, तो 2t प्लस 6 इज इक्वल टू 18, तो 2t 18 माइनस 6 को भी मैं इधर लेके जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 2t इज इक्वल टू कितना बचेगा आपका 12, और 12 से जो आपका 6 2 से 12 जो आपका 6 टाइम कटेगा t बराबर आ गया आपका 6 आंसर। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहां पर x बराबर 3 निकला और y बराबर आपका निकला 6, z बराबर निकला आपका 9 और t बराबर निकला आपका 6, तो ये इसके आंसर हो गए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है, यदि x हमें दे रखा है आपका मैट्रिक्स से बाहर, और मैट्रिक्स जो है आपका 2x1 का, ठीक है, 2 और 3, ऐसी तरीके से आपका 22 मैट्रिक्स से बाहर दे रखा है, ये भी मैट्रिक्स जो है 2x1 का, और ये बराबर दे रखा है 2x1 मतलब 10 5 के बराबर, तो सिंपल हम वही करेंगे, पहले x का मल्टीप्लाई अंदर, इधर y का मल्टीप्लाई इधर, और दोनों एड हो गए दोनों को एड करेंगे उसके बाद हम बराबर रखेंगे। तो देखते हैं पहले हम x का मल्टीप्लाई अंदर करते हैं तो कितना हो जाएगा अंदर आपका 2x और ये हो जाएगा आपका 3x, मतलब बाहर का जब अंदर गुणा करेंगे तो प्रत्येक पद में गुणा होगा आपका, ऐसे ही बाई का गुणा माइनस वन में करेंगे तो आपका माइनस के बाई, और बाई का गुणा वन में किया तो आपका बाई इज इक्वल टू आपका 10 5 के बराबर ही चल रहा है, ठीक है। अब सिंपल जब एड हो रहे तो दोनों को जोड़ देंगे, कितना आएगा आपका मैट्रिक्स आएगा 2x माइनस बाई, इधर आएगा आपका 3x
प्लस वाई, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका बराबर इसके अलग 10 और 5 के। तो दोस्तों ये जब दोनों मैट्रिक्स बराबर है तो इसके संगत आपका पद जो है आपस में बराबर होगा। तो कहने का मतलब हमें क्या मिलेगा, 2x माइनस वाई बराबर 10, ठीक है, सिर्फ आप समीकरण एक मान लें। इसी के बाद हमें मिलेगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है, दोनों संगत पद आपस में बराबर। अब अगर मैं इन्हें जोड़ देता हूं, जोड़ने पर क्या होगा, माइनस से माइनस का बाई प्लस के बाई से आपका कैंसिल हो जाएगा, टोटल कितना आएगा आपका 5x, और इधर हो जाएगा 10 और 5 आपका 15, ठीक है। अब ये 5 से कितनी बार कटा, 3 टाइम, तो x बराबर आपका निकला यहां पे 3, ठीक है। दोस्तों यहां से हमें x बराबर 3 निकला, तो बाई का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो आपका बाई का मान निकल आएगा। तो देखते समीकरण 1 में मान रखने पर, तो रखेंगे आपका 2 × 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 10, कितना हुआ आपका 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 10, तो माइनस का वाई इज इक्वल टू 6 को लेके जाऊंगा तो कितना हो जाएगा 10 माइनस 6, तो माइनस वाई इज इक्वल टू आपका 4, तो वाई बराबर आपका आ गया माइनस 4 आंसर। तो यहां से आपके x और y के मान निकल गए। अब देखते क्वेश्चन नंबर 12। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 हमें दे रखा है, यदि एक आपका मैट्रिक्स दे रखा है जिसमें हमें 3 का मल्टीप्लाई करना है, इज इक्वल टू आपके दो मैट्रिक्स दे रखे हैं, मतलब कि ये 2x2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 का मैट्रिक्स है, प्लस दे रखा है आपका 2x2 का इक्वल मैट्रिक्स। तो सिंपल इसको हमें क्या करना है, क्या है, तो क्या करेंगे, एक्स वाई जेड और डब्ल्यू के मानों को ज्ञात कीजिए। तो सिंपल क्या करेंगे, आप सबसे पहले उन मैट्रिक्स को जोड़ेंगे जो आपके मतलब जुड़ रहे हैं, ठीक है, इसका दोनों का जोड़ के हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे और इसके बराबर रख देंगे, तो सिंपल क्या हो जाएगा, आपके संगत पद बराबर हो जाएंगे और हम समीकरण बनाएंगे, एक्स वाई जेड के मान निकाल लेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले आप 3 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो आपके प्रत्येक पद में 3 का मल्टीप्लाई होगा, तो कितना हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा आपका 3y, ये 3z और ये आपका 3w, ठीक है, तो ये मान हो गए। अब सिंपल आप देख रहे हैं कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में जुड़ रहे हैं तो हम जोड़ देते हैं, तो x प्लस 4 संगत पद जुड़ेंगे आपके, ठीक है, इसके बाद 6 प्लस एक्स प्लस वाई, तो ये जोड़ दिया, उसके बाद माइनस 1 इसमें जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा भाई, जेड प्लस डब्ल्यू माइनस 1, उसके बाद 2w 3 में जोड़ूंगा, कहने वाला 2w प्लस 3, तो ये आपके आपका मैट्रिक्स दोनों बराबर आ गए, ठीक है। तो अब हम संगत पद आपस में बराबर रखेंगे, ठीक है, संगत पदों की तुलना मतलब बराबर रखने पर, संगत पद बराबर रखने पर, ठीक है, तो पहले का संगत पद आपका ये है, तो कहने का मतलब 3x बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस 4, ठीक है। अब मैं x को इधर ले आता हूं तो कितना हो जाएगा भाई, 3x माइनस x, ठीक है, बराबर 4, तो 3x में से x गया तो आपका 2x बराबर 4, 2 से जो 4 जो 2 टाइम जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया आपका 2, ठीक है। अब हम लिखते हैं, देखते हैं 3y बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, 3y इज इक्वल टू, इसका संगत पद जो है वो ये वाला है, तो कितना आएगा 6 प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब हम y को उधर ले आते हैं, x का मान यहां से समीकरण मतलब x मान जो हमने निकाला वो यहां रख देते हैं, तो कितना आएगा अभी 3y, इस y को तो मैं लाया तो माइनस के y और 6 प्लस x का मान कितना है हमारे पास 2, ठीक है, तो रख दिया, यहां से क्या बचा आपका 2y और ये बचा आपका 6 प्लस 2 8, अब 2 से जो है आपका 8 वो 4 टाइम जाएगा, तो y बराबर कितना आया आपका, y इज इक्वल टू 4, ठीक है, तो ये वाला पद आपका y का मान भी निकल आया। अब सिंपल हम निकालेंगे 3z बराबर, अब इसके बराबर रखेंगे, तो या फिर आप पहले w का मान निकालना चाहें तो ये वाला पद आप इस पद के बराबर रख लीजिए, क्योंकि इसमें दूसरा पद कोई है नहीं, w है, तो यहां w का मान निकल आएगा, फिर उसके बाद हम इसका मान निकाल देंगे, ठीक है। तो मैं रखता हूं ये वाला पद इस पद के बराबर, संगत पद जो है इसका वो ये है, तो हो जाएगा आपका 3w इज इक्वल टू 2w प्लस 3, ठीक है। तो आप w को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 3w माइनस 2w इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब 3w माइनस 2w गया तो कितना बचेगा, केवल w बराबर 3, तो w का मान हमारे पास निकल आया, ठीक है। अब सिंपल हम वही करेंगे, अब हमें z का मान निकालना है, तो इस पद को आप इस पद के बराबर रख दीजिए, अब यहां से हमें w का मान मिल गया है, तो हम w का मान रखे, यहां से z का मान सीधा सीधा निकाल सकते हैं, तो कितना आएगा हमारे पास, अब मैं इस वाले पद को इस पद के बराबर रख रहा हूं, तो कितना आएगा हमारे पास, 3z इज इक्वल टू z प्लस w माइनस 1, ठीक है।
तो जेड को जरूर ले आइए और डब्ल्यू का मान हमारे पास तीन है, वो तीन यहाँ रख देंगे। तो कितना हो जाएगा भाई, थ्री जेड माइनस जेड, इसको मैं लाया तो माइनस का हो गया, डब्ल्यू का मान हमारे पास है तीन और माइनस वन, ठीक है। अब थ्री जेड में से जेड गया तो आपका बचेगा टू जेड, और तीन में से एक गया तो आपका बचेगा टू, और टू से जेड टू एक बार कटेगा तो जेड बराबर आ गया आपका वन, ठीक है। तो यहां से आपके एक्स वाई जेड के मान निकल आए। एक्स का मान कितना है हमारे पास, दो है, वाई का मान चार है, डब्ल्यू बराबर एक है, और सॉरी जेड बराबर एक है, और डब्ल्यू बराबर आपका तीन है, ये चारों मान हमारे पास निकल आए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्टी दे रखा है, मैं एफ एक्स बराबर दे रखा है, मैं एक थ्री बाय थ्री का मैट्रिक्स, कॉज एक्स माइनस साइन एक्स जीरो, साइन एक्स कॉज एक्स जीरो 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 वन, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स डॉट एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई। दोस्तों जैसा कि हमें एक्स में यहां फंक्शन दे रखा है तो आपके एक्स में मान जो है वो सब एक्स में, ठीक है। ऐसे में एफ वाई निकालूंगा, यहां वाई रखूंगा तो सब एक्स की जगह क्या हो जाएगा आपका वाई हो जाएगा। तो एफ एक्स तो हमारे पास है तो एफ वाई निकालूंगा तो कितना आएगा आपका, क्या हो जाएगा अभी, कॉस वाई माइनस के साइन वाई जीरो, इसी तरीके से यहां साइन वाई और यहां पे आपका कॉस वाई जीरो 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 वन, ठीक है। तो हमारे यहां एफ वाई का मान निकल आया, जैसे तो देखते जैसा कि अब यहां पे एफ एक्स था यहां एक्स चल रहा था, एफ वाई है तो यहां वाई आ जाएगा, ठीक है। अब हमें सिद्ध करना है एफ एक्स डॉट एफ वाई, तो इसका मान निकालते हैं हम एफ एक्स इंटू एफ वाई, ठीक है। तो मान रखते हैं दोनों के, हम एफ एक्स का मान हमारे पास कितना है, कॉज एक्स माइनस साइन एक्स जीरो, साइन एक्स कॉज एक्स जीरो 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 वन, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करना है हमें वाई का, मतलब एफ वाई का, तो क्या हो जाएगा अभी, कॉज वाई माइनस साइन वाई जीरो, साइन वाई कॉज वाई जीरो 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 वन, ठीक है। दोस्तों अब हम सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं इसका, तो आप मैंने बताया इसको इस तरीके से और इसको इस तरीके से, मतलब पहली पंक्ति और एक एक करके कॉलम हम निकालेंगे, ठीक है। देखते हैं पहले कॉज एक्स का मल्टीप्लाई कॉज वाई में करेंगे तो क्या आएगा भाई, कॉज एक्स इंटू कॉज वाई, ठीक है। उसके बाद माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस साइन एक्स और जो हो जाएगा साइन वाई, ठीक है। और जीरो गुणा जीरो में करेंगे तो जीरो हो जाएगा, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लिखते हैं, अब पहली पंक्ति हो गई, पहला कॉलम हो गया, अब पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, कॉज एक्स का माइनस साइन वाई के साथ किया तो क्या आएगा आपका, माइनस के कॉज एक्स और साइन वाई, ठीक है। इसके बाद साइन एक्स का इसके साथ किया तो ये भी आपका माइनस आएगा, क्योंकि माइनस प्लस का गुणा माइनस में, तो कितना हो जाएगा आपका साइन एक्स और कॉज वाई, ठीक है, साइन एक्स कॉस वाई। और लास्ट वाला पद जो है वो आप देखेंगे कि जीरो जीरो, मतलब कॉज एक्स का जीरो में किया जीरो, साइन एक्स का जीरो में किया जीरो, जीरो का वन में किया तो जीरो, तो लास्ट कितना आ जाएगा आपका, जीरो आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अब पहले कॉलम का, सॉरी पहली पंक्ति का तीनों कॉलम साथ कर दिया, अब दूसरी पंक्ति का तीनों कॉलम साथ कर दिया, तो साइन एक्स का गुणा किया हमने कॉस वाई के साथ, साइन एक्स कॉज वाई, ठीक है। अब कॉज एक्स का गुणा करेंगे साइन वाई के साथ, प्लस कॉज एक्स और साइन वाई, इसका अब जीरो का गुणा जीरो में करेंगे जीरो लिखेंगे, ठीक है, सर नहीं लिखते हैं। उसका दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, तो साइन एक्स माइनस साइन वाई क्या हो जाएगा, माइनस के साइन एक्स इंटू साइन वाई, ठीक है। उसके बाद कॉज एक्स का कॉज वाई से गुणा करेंगे तो क्या आएगा आपका, प्लस का कॉज एक्स और कॉज वाई, ठीक है। अब लास्ट में क्या बचेगा आपका, जीरो, ठीक है, क्योंकि आप फिर मल्टीप्लाई करेंगे आपका जीरो के साथ जीरो, इसके साथ करेंगे जीरो, इसके साथ करेंगे तो जीरो आएगा, ठीक है। ऐसे ही अब इसका गुणा करते हैं तो कितना आएगा, जीरो का गुणा, अब तीसरा तीसरी पंक्ति और तीन आपका एक एक करके कॉलम लेंगे, तो जीरो का मल्टीप्लाई किया इसमें वन वाई में जीरो, इसका मल्टीप्लाई किया तो जीरो, और वन का मल्टीप्लाई किया तो जीरो, इसी तरीके से इसमें मल्टीप्लाई किया जीरो का माइनस साइन वाई में तो जीरो, प्लस इसके साथ कॉस वाई के साथ किया तो जीरो, वन का जीरो किया तो जीरो, ठीक है। इसी तरीके से आपका ये भी हमें जीरो जीरो सब, मतलब अब देखते हैं इसमें, अब तीसरे करते हैं, जीरो का जीरो में किया तो जीरो, प्लस जीरो का जीरो में किया तो जीरो, उसके बाद वन का वन में किया तो वन,
ठीक है, तो कहने का मतलब बाप सब जीरो जीरो रहेगा और ये लास्ट में आएगा वन। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो यहां से तो आप फॉर्मूला बनेगा आपका, क्या बना, कॉज ए कॉज वाई माइनस साइन ए साइन वाई। तो क्या होता है, आपका फॉर्मूला होता है कॉज एक्स प्लस वाई का, ठीक है, माइनस वाले प्लस में चलता है। इसी तरीके से अगर मैं इसमें से माइनस इन कॉमन ले लू तो क्या बनेगा आपका, यहां से ले सकते हो आप साइन एक्स कॉज वाई प्लस कॉज एक्स साइन वाई। ठीक है, तो यहां पे तो जीरो चल रहा है, ठीक है, और इसका देखेंगे तो यहां पर साइन एक्स कॉज वाई कॉज एक्स साइन वाई, तो ये तो हो गया आपका साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला। ठीक है, यहां पर भी आप क्या करेंगे, इसे देख सकते हैं आप, ये हो जाएगा आपका, इसे भी सेट कर लेता हूं मैं, कॉज एक्स कॉज वाई माइनस साइन एक्स और साइन वाई। ठीक है, कॉज एक्स कॉज वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, मतलब इसको सेट कर लिया, माइनस वाले को बाद में रखा और कॉज एक्स वाले को पहले रख दिया और बाकी चल रहा है आपका जीरो। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस वाले में, जैसे मैंने साइन एक्स प्लस वाई कैसे लिखा है, साइन एक्स प्लस साइन ए कॉज बी कॉज ए साइन बी, मतलब साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हो जाता है। इसे यहाँ पे देखा गया साइन एक्स कॉज वाई प्लस कॉज एक्स साइन वाई, तो क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई। उसके बाद मैंने इसे एडजस्ट कर लिया, मतलब प्लस वाले को पहले रख दिया और माइनस वाले को बाद में रख लिया, ये तो आपका जीरो चलेगा, ये आपका जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये आपका वन हो गया। ठीक है, अब फॉर्मूला एक और लाइन एक और आप लिख लेते हैं एक और बार इसे, तो क्या करेंगे इसे, ये हो गया आपका कॉज एक्स प्लस वाई साइन एक्स प्लस वाई जीरो। ठीक है, ये आपका माइनस का हो गया आपका साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला, और जो हो गया आपका कॉज एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला, बाकी जीरो 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 वन। ठीक है दोस्तों, अब आप देख सकते हैं कि जब हमारा आर्ग्यू में यहां एक्स था तो एफ एक्स का फलन चल रहा था, ठीक है, यहां वाई था तो यहां वाई का फलन चल रहा था। तो कहने का मतलब अब यहां पर जो आपका फलन जो एक्स प्लस वाई में है तो ये किसका मान हो जाएगा आपका एफ एक्स प्लस वाई, जो आपका आर एच एस के बराबर है, तो ये हमने सिद्ध कर दिया। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपके चार क्वेश्चंस लगाए हैं। उम्मीद करता हूं ये चारों क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन पे आपको फिर भी नहीं समझ में आता तो आप कमेंट बॉक्स में लिखे, तो उस क्वेश्चन को दोबारा से एक बार फिर आपको पूरा सॉल्व करके इसको मैं समझा दूंगा। तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।